हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग दिसंबर महीने का भी दस दिन चला गया और अभी हमारे पास दिसंबर में बीस दिन जनवरी में लगभग पूरा का पूरा महीना और पंद्रह दिन फेब्रवरी के बचे हुए हैं। पूरी उम्मीद है, तो है, हम है हमारे पास बोर्ड है हमारे पास क्लास पूरे स्कूल का प्रेशर है कि मल्टीपल प्री बोर्ड भी स्कूल वाले चलाते हैं प्री बोर्ड सेकेंड प्री बोर्ड थर्ड और इवन प्रैक्टिकल्स का पूरा का पूरा महीना खा जाता है तो देखा जाए तो हमारे पास समय बहुत कम है मैंने पहले भी स्ट्रेटेजी के आपको सारी की सारी बातें डिस्कस की थी आज की वीडियो हर एक बच्चे के लिए हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कुछ दिन ब्रेक पे था मैंने बहुत सारी चीजें प्लान की उसके अंदर जैसे कि मॉक टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं क्योंकि आपको पता है क्लास हर साल में मॉक टेस्ट रिलीज करता हूं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स और बीएसटी के तीन तीन मॉक टेस्ट जिससे क्लास 100 परसेंट पूरा पेपर आता ही आता है लेकिन वो हंड्रेड तभी आ सकता है स्पेशली अकाउंट्स में तो आता ही आता है क्योंकि इको थ्योरी होती है कई बार सेम चीज को अलग वे में घुमा के पूछी जाती है तो कई बार मैं उसके मॉक टेस्ट को रिलीज नहीं करता बट अकाउंट्स में पक्का आता ही आता है और सबसे ज्यादा दिक्कत भी उसके लिए बच्चों को होती है तो मैंने सोचा है क्लास कि जिस तरीके इसे उसको रिसर्च किया जाए एनालाइज किया जाए स्टडी किया जाए पिछले 15 साल मैंने कहा था पिछले 15 साल के पेपर्स को एनालाइज करके ट्रेंड एनालिसिस करके सिलेबस का पैटर्न देख के सीबीएसई के सैंपल को देख के कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाए जिनसे पेपर में पक्का आ जाए लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं आपको मॉक टेस्ट दे दूं तो क्या आप पूरा का पूरा, पूरा क्वेश्चन नंबर याद कर लोगे सेम नंबर के क्वेश्चन आएंगे नहीं नंबर बदलेगा थोड़ी बहुत कहानी बदली क्वेश्चन की एक आध क्वेश्चन बदले क्वेश्चन के पूरे पेपर के तो हमें चैप्टर आना चाहिए तो ये वीडियो इसी बात के ऊपर है कि आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए तो आप में से जो भी बच्चे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया बहुत सारे बच्चों ने बोला हमने स्टार्ट नहीं किया अभी तक तो आप स्टार्ट करो अब से जित जो थर्टी फोर्टी परसेंट वाले हैं सिक्सटी परसेंट वाले हैं जो नाइन्टी वाले हैं वीडियो सबके लिए ध्यान से एंड से समझना जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लगभग एक हफ्ते के लिए क्लास मैं थोड़ा सा ऑफ पे था मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था बहुत सारी देखो ब्रेक चाहिए होती है आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हो ना तो हमको ब्रेक चाहिए होता है लेकिन मैंने इस ब्रेक में वीडियोस आना रोका नहीं आपने हर दिन मेरी वीडियोस देखी होगी भले ही मैं किसी काम से हूँ कुछ फैमिली के काम से हूँ कुछ अपने पर्सनल काम से मेरे गले की भी बहुत हालत खराब थी उसके लिए भी मुझे डॉक्टर कहता है भाई आप कम से कम इतना दिन का ब्रेक लिया करो लेकिन मैं वीडियोज़ आनी रोकता नहीं मुझे पता है कि मैं अगले चार दिन छुट्टी पे हूँ तो मैं अगले चार दिन का काम पहले से वेल इन एडवांस कर लेता हूं सो so दैट मैं छुट्टियों को इंजॉय करूं और ये जो टाइम है मेरा वो मुझे चुभे ना कि यार देखो वीडियो नहीं आ रही है तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए पहले से प्री रिकॉर्डेड वीडियो शॉर्ट्स वगैरह डेली बेसिस पर आ रही है और आती जाएंगी उम्मीद है मेरे चैनल पर कभी भी कोई ऑप्सेंट नहीं होगा डेली बेसिस पर आप लोगों लोग मैं काम कर रहा हूं आपको सिर्फ ये चीज का एहसास दिलाने के लिए कि अगला बंदा आपके पीछे इतनी मेहनत कर रहा है तो आप खुद के लिए क्या करो जिसके लिए मैं आपसे कोई चार्ज नहीं कर रहा मैं डेली बेसिस पे काम कर रहा हूं अपने लिए मेहनत कर रहा हूं आप सबके लिए आपके पेरेंट्स को प्राउड फील कराने के लिए मेहनत कर रहा हूं तो ये वीडियो एंड तक देखना इसमें आपको बताऊंगा कि हमें आगे किस तरीके से काम करना है और आप इस चीज सीख सकते हो कि मुझे अगर कल मेरे दोस्त का बर्थडे है या कल मेरा बर्थडे मुझे इंजॉय करना है तो यार कौन सी बड़ी बात है करो इंजॉय लेकिन कल का जो काम है उसे आज ही फिनिश कर दो यानी आपको पता आप चार दिन छुट्टी पर हो तो चार दिन का काम वेल इन एडवांस पहले से करके चलो ताकि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए उन चार दिन में तुम्हें प्रॉब्लम नाए पहले से आप सारी चीजें मैनेज करके चलो क्योंकि तुम्हें पता है कि कल को तुम छुट्टी लेने वाले हो हाँ कुछ ऐसे केस होते हैं जो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो एक्सेप्शन है बट जब तक आप रेडी हो आपको पता है कल मुझे मजे लेने हैं तो लो मजे कोई दिक्कत नहीं पर कल की पढ़ाई आज ही खत्म कर लो तो कल आप मजे भी लोगे और आपका काम भी चलता रहेगा तो ये चीज सीखने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं ठीक है देखो तो अगर हम बात करें क्लास हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है अगर मैं डेज देखूं तो ये हमारे पास लगभग 66 डेज 13.2 पॉइंट डेज यानी तेरह दिन मान लो हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर ऑन एन एवरेज पांच सब्जेक्ट मान के चलते हैं तो कई बच्चों के पास छह भी है अभी तुम्हारे प्री बोर्ड चालू होंगे मैं प्री बोर्ड की स्ट्रेटजी भी लेके आऊंगा प्री बोर्ड को कैसे प्रिपेयर करना है मैं उसकी भी स्ट्रेटजी लेके आऊंगा डोंट वरी राइट पंद्रह से बीस दिन तो प्री बोर्ड खा ही जाएगा पेपर के अंदर पेपर होगा आप लोगों का प्रैक्टिकल में क्लास आपके लगभग दस दिन खत्म हो जाएंगे पांच सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल दो दो दिन भी चलता है अगर दस दिन उसमें खत्म हो जाएंगे आपके और बोर्ड के लिए बस आपके पास चालीस दिन बचते हैं जिनके अंदर आप पढ़ के अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो विच मीन्स एट डे सब्जेक्ट बच्चों एक बात बताओ आपने कितनी प्रिपरेशन करी है पूरे साल भर में क्या आप ए आठ दिन के अंदर पूरी बी एस टी करोगे बारह चैप्टर्स पूरा इको का दो बुक कर लोगे पूरे अकाउंट्स की तीन बुक आठ दिन में कर लोगे नहीं तो वो बच्चे जो अभी जीरो से शुरू कर रहे हैं उनको क्या करने की जरूरत है वो ये मत सोचो कि हमें पूरा का पूरा सिलेबस करना है कर लेना तुम बट सोचो मत टारगेट सिर्फ एक चैप्टर का बनाओ कि यार पहले मैं एक चैप्टर खत्म करता हूं अब लंबा गोल देखोगे ना इतनी दूर जाना है तो आप डर जाओगे आपसे नहीं हो पाएगा आप पढ़ते तो रहोगे पर दिमाग में कुछ और चलता रहेगा ऐसा होता है कि नहीं मुझे कॉमेंट बताना तो बेहतर यही है कि आप एक छोटा सा चैप्टर उठाओ छोटा सा एक दो चैप्टर का उठाओ उसे खत्म करो फिर धीरे धीरे आगे चलो विदाउट पूरे गोल को सोचते हुए और जिन्होंने आधा कर रखा है तो वो बाकी आधा देख लो क्या क्या बच्चा उसे करते चलो और इस टाइम पे प्लीज कहीं भी टाइम वेस्ट मत करो प्रैक्टिकल की फाइल को सजाने में यहां वहाँ सर्दियों का टाइम है वैसी बहुत ज्यादा नींद आती है सुबह शाम रात का हो जाती है पता नहीं चलता तो यार इस टाइम पे क्लास आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना अब समय नहीं बचा है अगर ट्वेल्थ खराब तो एक महीने के अंदर सीयूटी में अच्छा करना बड़ा ही मुश्किल है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो सीयूटी की प्रिपेर

बहुत कम पढ़ते हो आप सोचते हो इंग्लिश बी तो हो जाएगा दो दिन चार दिन में नहीं इंग्लिश और बी को भी तुम्हें टाइम देना पड़ेगा बिफोर एग्जाम दस दिन बारह दिन हफ्ता दस दिन देना पड़ेगा तो तुम्हारे पास टाइम कुछ नहीं बचा है अभी प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे उसके बाद प्री बोर्ड प्री बोर्ड प्रैक्टिकल चलते रहेगा साथ साथ लास्ट में पता चला डेट शीट आ गई और पता चला फेबररी पंद्रह से ही पेपर हो गए तो प्लीज़ यार अभी से आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो आपके पास समय कम है मैं दिखा रहा हूं आपको इतने दिन इतने सब्जेक्ट तो कहीं ना कहीं जाग जाओ आप दूसरी बात स्ट्रैटी सर अब स्ट्रैटी हम कैसे रखें मैं स्ट्रैटी की वीडियो ऑलरेडी बना दी है लेकिन फिर भी मैं आपसे सिर्फ एक शॉर्ट बात कहूंगा कि आप लोग अपने प्री बोर्ड को बोर्ड मान लो बस बात कहानी यही खत्म दिमाग में सेट कर लो यही प्री बोर्ड मेरा बोर्ड है कहानी खत्म कुछ स्ट्रैटजी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो तुम प्री बोर्ड को बोर्ड की तरह मानो प्री बोर्ड से पहले पूरा सिलेबस खत्म हो जाए क्योंकि वो तुम बोर्ड मान रहे हो कंप्लीट सिलेबस प्री बोर्ड से पहले पूरा अच्छे से खत्म कर दो ए टू जेड हर चीज मेरे चैनल पे अवेलेबल है मैंने ए टू जेड मैं तुम्हें दिखाता हूं क्लास मेरे पास क्या देखो ये अकाउंट्स की प्लेलिस्ट है इको की प्लेलिस्ट है बी की प्लेलिस्ट है ए टू जेड कोई आप कहीं भी पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लेना कहीं भी जितने इन डेप्थ में जितने अच्छे से और जितनी जल्दी मैंने सिलेबस खत्म कराए शायद ही कोई टीचर ऐसा हो जो करा रहा हो मैं अपनी तरफ से बहुत सारे ऐसे मैं किसी से कंपेयर नहीं करा लेकिन मैंने पूरी डेडिकेशन से पूरी मेहनत से यहाँ पर हर चीज़ कराई है अकाउंट्स के अंदर एटी फाइव और मेरी वीडियो छोटी छोटी वीडियोज़ नहीं होती मैंने इन डेप्थ के अंदर देखो थर्टी मिनट ट्वेंटी मिनट थर्टी फाइव मिनट्स ट्वेंटी मिनट्स क्योंकि आप इतना ही टिक पाते हो तो मैं दो दो घंटे ही तो यार। जो पढ़ाऊंगा फॉर एग्जाम आप लोगों को ये हर एक चैप्टर का लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्यार से अच्छे से क्लास देखो कंप्लीट बना के आपको दे रखा बस आपको फॉलो करना है एक एक चैप्टर एक एक चीजें अकाउंटिंग रेशियो में चार रेशियो नया है वो भी मैं कराऊंगा बिफोर एग्जाम तुम्हारे सिंगल नंबर का नहीं छूटेगा इसी तरीके से ईको में बी एस टी में सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से कॉन्टेंट मैनेज करके ये फिफ्टी फाइव ईको में फोर्टी एट पूरा का पूरा सिलेबस ए टू जेड ए टू जेड कंप्लीट डिसिप्लिन तरीके से कराया है प्लीज मेरी मेहनत बेकार मत करने मत करना इसको पढ़ते रहना तो कंप्लीट सिलेबस तुम्हारा अच्छे से ए टू जेड होना चाहिए सो so दैट तुम प्री बोर्ड दे सको बी एस टी में कैसडीज की सीरीज आएगी अगले हफ्ते से अकाउंट्स में वन शॉर्ट भी अगले हफ्ते से आएगा बोर्ड्स के लिए प्री बोर्ड्स के लिए राइट right? सैम्पल पेपर सी बी एस ई का बनाकर चलना और मॉक टेस्ट जरूर बना के चलना क्लास बिफोर एग्जाम सैम्पल पेपर की तैयारी क्लास मैं कराऊंगा आपको जल्दी ही सैम्पल पेपर की वीडियोज आने लग जाएंगे मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर जरूर यही जानने के लिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा अदरवाइज आप पेपर में बैठोगे ना आपको लगेगा कि यार मुझे तो कुछ भी नहीं हो पा रहा दस नंबर का पंद्रह नंबर का बीस नंबर का छूट गया सही से लिख नहीं पाया आंसर मेंटेन नहीं कर पाया हड़बड़ाहट होगी टेंशन होगी तो ये जितनी भी कमियाँ हैं ना ये मॉक टेस्ट में और सैम्पल पेपर में बाहर निकल आएगा ताकि जब आप एग्जामिनेशन में जाओ तो क्लास आपको ये दिक्कत ना आए जो आपने मॉक टेस्ट में प्री बोर्ड में या फिर आपने क्लास अपने सैंपल पेपर सॉल्व करते वक्त झेला है तो आप उस एनवायरमेंट में पेपर दोगे मॉक टेस्ट में जिसमें क्लास आप पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन में देते हो समझ रहे बात को तो बिफोर प्री बोर्ड एक से दो सैंपल जरूर बनाना लगे प्री बोर्ड तुम्हें अच्छा करना है वही तुम्हारा बोर्ड है कुछ बच्चे बोलेंगे अरे प्री बोर्ड ही तो मैं बोर्ड में आग लगा दूंगा मैं उखाड़ लूंगा बोर्ड में कुछ नहीं कर पाओगे तुम बेटा प्री बोर्ड में नहीं कर पाए तुमने यही बहाना बनाया पहले यूनिट टेस्ट में अरे यूनिट टेस्ट ही तो है फिर ये एग्जाम एग्जाम ही तो है फिर हाफ ईयरली तो है अरे प्री बोर्ड है प्री बोर्ड ही तो है ऐसे ही तुम्हारा बोर्ड भी निकल जाएगा अरे बोर्ड ही तो निकल गया बोर्ड फिर बोलते तेरा अगले साल ये कर दूंगा अगले साल आग लगा दूंगा अगले साल सौ लिया कुछ नहीं कर पाओगे अभी मौका है और यही सबसे अच्छा मौका है इसके बाद सिर्फ सेटिस्फैक्शन मिलेंगी सिर्फ दो दिन में कैसे पास हो जाएं एक दिन में कैसे पास हो जाएं इसकी वीडियोस आएंगी सच है ये बिल्कुल हर साल होता है लेकिन होगा नहीं आप जानते हो जो हम साल भर में नहीं हो उसे दो दिन में करना चमत्कार है और चमत्कार होते ही नहीं है समझ रहे हो बस कहानियां ही होती हैं उसकी तो इसको बोर्ड की तरह मान के चलो अपना तुम्हारा सारा काम हो जाएगा दूसरी बात अभी मैंने क्या करा डिटेल सिलेबस जो सबसे ज्यादा समय लगता है सबसे ज्यादा दिक्कत देता है वो है डिटेल सिलेबस कराना ए टू जेड बच्चे को सर वन शॉट करा दो अरे भाई तुमने चैप्टर तो तुमने पढ़ा नहीं है वन शॉट सीधा कर लोगे कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं सर वन शॉट करा दो चैप्टर पढ़ा है पूरा का पूरा नहीं अरे भैया चैप्टर पढ़ा नहीं तो वन शॉट में कहाँ से समझ आएगा अकाउंट्स में फंडामेंटल के अंदर सौ क्वेश्चन है टोटल टोटल सौ क्वेश्चन हमें करने होते हैं वो तुमने पढ़े नहीं वन शॉट एक घंटे की देख लोगे हो जाएगा नहीं सिर्फ वीडियोस देख लोगे संतुष्टि मिल जाएगी क्वेश्चन तब भी नहीं बनेगा तुमसे तो मैं वन शॉट लेके आ रहा हूं फ्रॉम मंडे तुम्हारा काम क्या है पूरा का पूरा फंडामेंटल अच्छे से खत्म कर लो मंडे तक कल तक तुमने तो होगा थोड़ा बहुत खत्म करो उसको मेरी प्लेलिस्ट से कर लो उसके बाद जब तुम वन शॉट देखो तब मजा आएगा तब वो रिवीजन होगा चैप्टर पढ़ा नहीं वन शॉट कर लो कैसे हो जाएगा भाई कैसे हो जाएगा पॉसिबल नहीं है मैंने तुम लोगों की के रिविजन के लिए शॉर्ट्स लेके आया क्या नहीं करा मैंने क्लास आप लोगों के लिए देखो ये पूरा का पूरा शॉर्ट्स हर एक शॉर्ट्स हर एक चैप्टर के एक एक मिनट में कहा भाई तुम लंबा नहीं बैठ सकते कम से कम साठ सेकंड बैठ जाओ देखो हर एक चैप्टर के आ रही है आते जाएगा टिल एग्जाम तक आएगा दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन क्लास ये आना बंद नहीं होगा इसकी मेरी गारंटी आएगा एग्जाम के आखिरी दिन तक आज सुबह मान लो दस बजे तुम पेपर देने जाओगे तो नौ बजे तक भी मैं तुम्हें क्लास छोड़ूंगा नहीं तुम्हारे साथ करता जाऊँगा कुछ ना कुछ तुम्हें मोटिवेट करता चला जाऊंगा सबसे पहले तुम एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस जाओ घुसो तो कम से कम कॉन्फिडेंस हो सीना चौड़ा हो गया हाँ मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने ऐसा नहीं कि भाई क्या होगा भगवान मुझे बचा लेना ऐसा सब चीज़ नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें क्लास में कर रहा हूँ मोटिवेट भी कर रहा हूँ आप लोगों को मैं और क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए बताओ मैं करूंगा आप लोगों के लिए डेफिनेटली करूंगा ये सारी चीजें क्लास आएंगी आप लोगों के लिए नोट कर लो दिसंबर जनवरी फेरवरी में ये सारी चीजें आ रही होंगी क्या अकाउंट्स का वन शॉट जो कि मंडे से आ जाएगा बिजनेस का नेक्स्ट वीक से आ ही जाएगा अपकमिंग वीक से कभी भी आ सकता है थियोरी सीरीज हर चैप्टर की सीबीएसई के सैप्पल पर आंसर राइटिंग लाइव टेस्ट अकाउंट्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज और लास्ट में आपको एसपीसीसी से क्लास अटेंड करना होगा मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जामिनेशन के माहौल में टिप्स एंड ट्रिक मोटिवेशन सब कुछ आपको मिलेगा इवन अगर तुम डाउन हो जाते हो पढ़ाई में तुम इधर उधर टाइम वेस्ट करते हो और तुम्हारे पास इंस्टाग्राम है या तो मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फन भी है स्टडी

सब कुछ छोड़ दिया मैंने सब कहा थर्टी फर्स्ट मार्च तक किसी भी कीमत पे मैं कहीं इंगेज नहीं हूँ किसी के लिए इंगेज नहीं हूँ सिर्फ दो चीज़ के लिए इंगेज हूँ क्लास जो मेरे पेड़ बैच के बच्चे हैं वो और जो मेरे यूट्यूब स्टूडेंट्स हैं वो दोनों के लिए इक्वली मैं आप लोगों के लिए इंगेज हूँ दिन रात मेहनत करूँगा दिखेगा ये चीज़ आपको लेकिन अगर वो दिखने में लेट हो गया ना तो तुम तुम्हारा पेपर बिगड़ जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ तो यार ये सारी चीज़ें मैं तुमको कराऊंगा और बहुत जल्दी इनके पीछे काम हो रहा है बिकॉज पीपीटी बनानी पड़ती है क्वेश्चन सिलेक्ट करने पड़ते हैं कंटेंट बनाना पड़ता है फिर खड़े होकर वीडियो बनानी पड़ती है एडिट करना होता है रिकॉर्ड करने के बाद देन उसको पब्लिश करना होता है तो उसी चीज़ का टाइम है और हमने सिलेबस सबसे पहले खत्म किया हर आप कहीं से भी देख लेना सबसे पहले इन डेप्थ में डिटेल वन शॉर्ट की वो नहीं एक शॉट कराया दो घंटे में चैप्टर खत्म नहीं ऐसे नहीं धीरे धीरे प्यार प्यार सब कुछ करा दिया अब आएंगे वन शॉट की नहीं, की आएंगे, की का मतलब में भी अपना मजा है समझ रहे हो बिफोर एग्जाम जो रिविजन आएगा ना अब ये चीज बहुत काम की है एग्जामिनेशन की छुट्टियां मिलती हैं और मुझे पता है कि आप जब इंग्लिश का पेपर होगा तो सारा दिन इंग्लिश करोगे हफ्ता भर तक तो सब कुछ अकाउंट ईको बी सब गायब हो जाएगा तब मैं तुम्हें ए टू जेड पूरा रिवीजन क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में जो गैप होगा इको में जो गैप होगा बीस में जो गैप होगा ये मैंने करा है हर साल करा है पिछले साल की वीडियोज देखो से कॉमेंट पढ़ो पिछले साल की वीडियो उठा के देखो जो पढ़ाया वो कमेंट में आया कि नहीं बच्चों कमेंट्स पढ़ो वो तो मेरे फेक नहीं हो सकते ना आप कमेंट पुरानी वीडियोस जाओ छह महीने पहले की वीडियो टर्म टू के जो पेपर हुए थे उस सुबह पेपर है ना उसके दो घंटे पहले वीडियो आई थी कॉमेंट पढ़ना सारे बच्चों ने रिप्लाई दिया सर जो पढ़ाया वही आया इससे ज्यादा मैं क्या भरोसा दिलाऊं आपको आप मेरी पुरानी उठा के देखो बिफोर वाली बिफोर एग्जाम वाली और कॉमेंट में जाकर पढ़ के देखो बच्चों ने क्या क्या बोल रखा है चार महीने छह महीने पहले जो पढ़ा है वही आया तो वही इस बार भी होगा क्योंकि इस बार और एक्सपीरियंस है और रिसर्च है और मेहनत है इस बार और और मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है समझ रहे हो बात को ए टू जेड पूरा कराऊंगा मॉर्निंग टू नाइट क्लास स्टडी कराऊंगा तो मैं स्टडी नहीं मैं तुम्हें टारगेट दूंगा उसका रिवीजन कराऊंगा फिर से क्वेश्चंस दूंगा फिर उसका आंसर दूंगा फिर तुम्हें होमवर्क दूंगा फिर ट्रैक करूंगा होमवर्क कर रहे हो कि नहीं कर रहे फिर मैं तुम्हें क्लास लास्ट में मॉक टेस्ट दूंगा करने के लिए ये चीजें भी फॉर एग्जाम और मैं आज से सोच रहा हूँ तीन महीने के बाद की बात सपोर्ट दे दोगे तो क्लास डेफिनेटली मैं रिजल्ट बना पाऊंगा अगर मैं एक बच्चे का भी रिजल्ट बना देता हूँ ना क्लास मेरा काम हो गया ईच वन टीच वन वाले फॉलो मैं फॉलो करता हूँ अगर एक को भी पढ़ा दिया अच्छे से एक भी मेरी बात से इन्फ्लुएंस हो गया मेरा काम खत्म तो प्लीज़ यार तुम्हारा जो भी टारगेट है तुम सिलेबस पहले खत्म करो अगर ये मेन चीज है ये खत्म हो गया तो बाकी सारी चीज़ें मैं कर लूंगा सिलेबस को सबसे पहले खत्म करो मेरा टारगेट साठ का है तो मैं छः सिलेबस खत्म करूंगा मेरा सौ का है तो मैं दस दस पूरा दस चैप्टर खत्म करूंगा मेरा जितना भी टारगेट है उस हिसाब से मुझे चीज़ों को खत्म कर लेना है मेरा पहला काम और ध्यान रखना क्लास और उसके बाद आप वन शॉर्ट करोगे तो मज़ा आएगा तो फंडामेंटल मंडे को कराने वाला हूँ तो तुम सारे बच्चे कॉमेंट है मुझे बोलो क्या तुम मंडे से पहले फंडामेंटल एक बार अच्छे से रिवीजन कर लोगे क्योंकि मंडे को फंडामेंटल कराने वाला हूं मैं और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो इस चैनल को क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स के बच्चों तक पहुंचाने का जिम्मा आपका है अगर तुम्हें मेरी बात में रियलिटी नजर आ रही है अगर तुम्हें लग रहा है कि सर करा सकते हैं अंदर से ट्रस्ट है तो क्लास तुम इसको शेयर करो हर एक बच्चे में अगर तुम्हें खुद भरोसा नहीं है तो फिर कोई जरूरत नहीं है अगर तुम्हें लगता है कि सुनील सर करा देंगे तो क्लास बिल्कुल शेयर करो और मैं एक स्पेशल चीज के ऊपर काम कर रहा हूँ जिस दिन वो काम फाइनलाइज हो जाए फाइनलाइज हो जाएगा मैं आप सबके सामने अनाउंसमेंट करूंगा और ये एक ऐसी अनाउंसमेंट है चाहे आपका टारगेट सिर्फ पास होने का हो मैं पास करा दूंगा मैं अगर गारंटी ले लूँ आप लोगों की और आप सपोर्ट कर दो दुनिया की कोई ताकत नहीं है क्लास जो आपको पास होने से रोक ले कोई ताकत नहीं दुनिया की अगर तुम सपोर्ट कर दो 60 टू 80 परसेंट अगर आप लाना चाहते हो हर बच्चों का टारगेटेट हंड्रेड नहीं होता और बनाना भी नहीं चाहिए हर बच्चा 100 का टारगेट बनाता है उसको पता है वो अचीव नहीं कर सकता बनाता है टेंशन में आता है एग्जाइटी होती है स्ट्रेस होता है डिप्रेशन आता है वो छोड़ देता पढ़ाई मुझे पता है मैं हंड्रेड वाला बच्चा नहीं हूँ मैं कभी हंड्रेड लेके नहीं आया मैं फोर्टी सिक्सटी का बच्चा हूँ तो मैं एटी का टारगेट बनाऊंगा उसे अचीव करूंगा प्री बोर्ड में तब हंड्रेड का टारगेट बोर्ड में बनाऊंगा मेरे प्री बोर्ड तक तो चालीस भी नहीं आ रहे और मैं सीधे बोर्ड का हंड्रेड लाऊंगा सर जी कैसे लाओगे बेमतलब की बात है टारगेट मस्ट भी अचीवेबल टारगेट वो बनाओ जो अचीव कर सको नाइनटी प्लस लाना चाहते हैं बोर्ड में सी ई डेफिनेटली ये वाले बच्चों के लिए सी ऊी क्रैक करना देखो ट्रुथ है कड़वा है लेकिन सच है इन बच्चों को जो सिर्फ पास का टारगेट लेके चल रहे हैं सी यू में अब भूल जाओ सी यू का भूल जाओ फिर आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ देखो ये सारे बच्चे कर सकते हैं सी ई क्यों बोल रहा हूँ आपका ट्वेल्थ में सिर्फ पास हो गए कॉम्पिटिशन कितना ये रियलिटी है आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप डिमोटिवेट कर रहे हो अरे भाई तुम पढ़ोगे नहीं लेकिन मैं तुमको फ्री बोलूँ तुम पास हो जाओ ऐसा कैसे हो सकता है तुम पढ़ोगे लेकिन फिर भी तुमको कि नहीं तुम कर सकते हो सी ला सकते हो अभी होने को तो कुछ भी हो सकता है होने को तो अभी धरती गिर जाएगी यहाँ होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन आप खुद सोचो आप पास होने की नौबत अभी नहीं है आपने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं करी अभी तक और मैं आपको ये बोल दूं कि आपका डी यू एस में एडमिशन हो जाएगा मैं पागल नहीं बना सकता आपका सॉरी तो अगर आप अच्छे से अब से मेहनत करो बोर्ड में साठ सत्तर अस्सी लेके आते हो इसका मतलब तुम्हें पूरा सिलेबस आता है तो तुम्हारा क्लास पूरा चांसेस है सी में निकलने का तो अगर तुम अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करे तो अब से कर लो अब से कर लोगे तो भी हो जाएगा ये नहीं कह रहा कि नहीं हो पाएगा बट अगर टारगेट सिर्फ तुम्हारा जस्ट पास होने का है तो डेफिनेटली आपने लाइफ में कुछ और सोच रखा होगा तो ये क्लास सी ये सारे बच्चों के लिए अलग से मैं क्लास लेके आऊँगा और मैंने सब चीज़ छोड़ दी है मार्च तक बस आप लोगों के साथ चलना है आप लोगों के साथ मेहनत करनी है और रिजल्ट ला दिखाना क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ आपका नहीं ये एग्ज़ाम मेरा भी है आपके घर वालों का भी है आप पास होगे तो मैं पास